शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कुंडली मिलन। जब तक तुम्हारी पहली शादी नहीं हो जाती तब तक तुम ऋचा से नहीं मिलोगे। तुम्हें ऋचा के प्यार का वास्ता यश। मैं कभी नहीं सोचा था अंजलि यश और मेरी शादी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। कभी भी नहीं। क्या अंजलि जानती है कि वो अपने ही पिता के घर में रह रही है? नहीं नहीं, उसको कुछ नहीं पता। बस मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि उसको बताना है तो एक पल की भी देरी नहीं करूंगा। फौरन उसे बता दूंगा कि वो कहीं और नहीं, अपने पिता के घर में ही पली बड़ी और अपने पिता के साथ ही रह रही। इस खुशी पे अंजलि का पूरा हक है और ये हक उसे जरूर मिलना चाहिए। अंजलि, अंजलि, अंजलि बेटा, अंजलि रुक तो बेटा। अच्छा ये मेरा पर्स ना बेटी के पास है। ये अंजलि कहाँ रह रही? मैं आता हूं उसे देख। बेटा मेरी बात तो सुन। क्या ये सच है चाचू? सच में लाला जी हमारे देख बेटा मैं चाचू बताएंगे ना क्या ये सच है? क्या हम लाला जी की हाँ बेटा ये सच है। मैं तुझे बताने ही वाला था। लाला जी को पता है क्यों? नहीं, सुबोध को कुछ नहीं पता। वो हिमांशु आपके साथ था ना? जी, वो अंजलि मेरा मतलब इधर ही गए। आप बैठिए। मैंने उसे इसलिए अभी तक नहीं बताया कि अगर अलका भाभी को पता चल जाता तो। अच्छा किया चाचू, बहुत अच्छा किया आपने कि
लाला जी को कुछ नहीं बताया, किसी को नहीं बताएंगे। ये बात किसको पता नहीं चलनी चाहिए। किसी को क्या नहीं बताना बेटी, कुछ नहीं सुबोध, वो अंजलि को एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया था, उसी के बारे में बताना अंजलि। हेलो जी, हम चाचू से कह रहे थे कि हमें ना लहंगे और सूट का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो हम चाचू से कह रहे थे कि घर में इतना कुछ चल रहा है, सब बहुत परेशान है ना, तो किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारी जैसा कोई नहीं बेटी। कितना सोचती है तू सबके बारे में। कृष्ण कन्हैया तेरे सारे सपने पूरे करें। अब जा, अपनी बहूजी और रिचा को लेकर आ, घर जाना है। हिमांशु चल, पेमेंट करनी है। हाँ, चलो चलो। सुबोध मैं आता हूं। हाँ, थोड़ा आराम कर ले। आराम से बहू जी। संभाल के बहू जी। दर्द हुआ? याद रखना इस दर्द को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे दर्द तुझे बर्दाश्त करने। तुझे क्या लगा मैंने तुझे अपने घर में आने दिया तो तुझे माफ कर दिया? याद है ना अस्पताल में क्या कहा था? तू देखती जा, तेरी जिंदगी में ऐसे नर्क बनाऊंगी, ना तू हंस पाएगी, ना तू रो पाएगी, नो से किसी को कह पाएगी कुछ। बड़े बड़े फतवे जारी करती है ना तू, हाँ, कि रिचा के लिए कुछ भी कर सकती है। अब देख रिचा की क्या हालत है, हाँ, क्या कर रही है अब तो रिचा के लिए, हाँ, मेरी शक्ल क्या देख रही है, कुछ सोच। मुझे और कोई रास्ता निकाल कि मेरी रिचा कैसे खुश रह सकती है। क्या अब क्या मेरे सर पे खड़ी रहेगी तू? तेरी अपशगुनी सूरत ज्यादा देर और देख ली ना तो मेरा बीपी फिर से लो हो जाएगा। जा, झाड़ू पोछा बर्तन सब पड़ा होगा घर में, जाके कर। हाँ,
काकी, खाने की सारी तैयारियां हो गई? अरे आशा, अरे हम बेटा, वो ऋचा के कमरे में पानी का जग रख देना। जी पापा। अरे आशा, एक गिलास पानी देने का। तेरा फोन तो ठीक है ना बिटिया? आप भी बताइए मैं क्या करूं। मैंने सोचा था कि मैं वापस आकर ऋचा से शादी कर लूंगा और फिर हम इन बीच में इतना कुछ हो गया कि रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा। और आप जानते हैं सबसे मुश्किल बात क्या है, मैं ऋचा से मिल भी नहीं सकता। कहानी लिखी है आपने हमारी गोपाल, हमारी कहानी में ऐसा मोड़ आएगा ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। हमारी कहानी में इतने मोड़ तोड़ क्यों है दादी? यश, जब कान्हा जी को लगता है ना कि कहानी में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से सीधा सपाट चल रहा है, तो वो हलचल पैदा करने के लिए
तरह तरह के तोड़ मोड़ डाल देते हैं। यश बेटा, इस हलचल के बाद तुम्हारे जीवन में भी ठहराव आ जाएगा। बस हर हाल में बोलता जा, वाह गोपाल वाह। और फिर बेटा देखना, अरे वाह पांच, कमाल हो गया गोपाल, आपने तो हमें 23 से सीधा 85 में पहुंचा दिया। सच्ची इतने बड़े मोड़ की तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गोपाल मन में कैसी कैसी हलचल सी मच रही है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, इतनी बड़ी हलचल का मुकाबला कैसे करूं। बेटा जब एक रास्ता बंद हो जाए तो बिना हिम्मत हारे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। बाकी कान्हा जी तो अंतर्यामी है, वो सोच समझ कर हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां डाल देते हैं ताकि हम उनका मुकाबला करना सीख जाएं। वो उंगली पकड़कर उसी तरफ ले जाते हैं जहां हमारे लिए सब कुछ ठीक होता है। तो बेटा बस थोड़ा सा सब्र से काम लेने की जरूरत है। सब्र से तो हमने हमेशा ही काम लिया है, क्योंकि हम जानते थे आप हमारे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। लेकिन आज आज तो आपने हमें वो कीमती तोहफा दे दिया जिसकी हमने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। थैंक यू गोपाल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गोपाल। आज हम ना बहुत 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 खुश हैं। बताइए भोग में क्या बनाया आपके लिए। क्या बात है अंजलि, आज बहुत दिनों बाद तुझे इतना कुछ देख रही हूँ। कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या तेरी। अरे हाँ भाई, लॉटरी लग गई है, बहुत बड़ी लॉटरी। हम सब समझ रहे हैं, रिचा घर आ गई इसीलिए इतनी खुश है ना। हाँ माई, कुछ ऐसा ही समझ लो आप। पता नहीं कौन से जन्मों का रिश्ता है तुम दोनों का। तू और रिचा सगी बहनों से ज्यादा सगी लगती हो। अब जल्दी जाके लाला जी और बहू जी के लिए चाय बना दे, वरना फिर से डांट पड़ जाएगी बहू जी से। हाँ इतना सब कुछ होने के बाद आपको भी ये समझ में आ ही गया होगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी रिचा ठीक रहे तो जल्दी से जल्दी हमें यश की शादी किसी और लड़की से करवानी पड़ेगी। तुम फिर से वही टॉपिक लेकर बैठ गई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है अलका, तुम्हें आराम की जरूरत है। आप समझ क्यों नहीं रहे, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, मैं आराम कैसे कर सकती हूँ। हमें बिना देर किए कोई ऐसी लड़की ढूंढनी पड़ेगी जो 90 दिन के लिए यश से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम पैसे लेकर जाएंगे और किसी दुकान से 90 दिन की दुल्हन खरीद कर ले आएंगे। ये इतना आसान है क्या? ठान लो ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। चाहती क्या हो? कि तुम्हें कोई एक ऐसी लड़की मिल जाए जो खानदानी हो और जिसे कोई लालच भी ना हो, जो बिना सवाल के तुम्हारी हर बात मान जाए, जो 90 दिन के लिए यश से शादी करे और 90 दिन पूरा होने के बाद शादी तोड़कर अपना बोरिया बिस्तर समेटकर यहां से चलती बने। अरे कोई भी खानदानी लड़की ऐसा करने को क्यों तैयार होगी भला? लेकिन ऐसी लड़की तो तैयार हो सकती है ना जिसके खानदान का कोई अता पता ना हो। क्या मतलब? मतलब मेरे दिमाग में एक लड़की है। अच्छा कौन है वो? अंजलि,
ये क्या बकवास कर रही हो? कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। अंजलि मेरी बेटी जैसी है। हाँ तो बेटी जैसी है तो आपकी अपनी बेटी के लिए इतना तो वो कर ही सकती है। जरा सी थी जब वो अनाथ इस घर में आई थी, हमने उसे सिर्फ छत ही नहीं दी, खाना पीना कपड़े लत्ते सब दिया है, यहाँ तक कि उसे 12वीं तक पढ़ाया भी। और मैं कौन सा उससे उसकी जिंदगी मांग रही हूँ? मैं तो बस 90 दिन के लिए यश से शादी करने के लिए कह रही हूँ। घर की बात घर में रह जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। रिचा से प्यार का इतना दम भरती है तो क्या इतना नहीं कर सकती वो बेटी जैसी अंजलि? तुम हला जी, हम आपके और बहू जी के लिए चाय लेकर आए थे। आओ ना बेटा आओ। जो भी लड़की यश से शादी करेगी 90 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक लड़की है अंजलि, मैं तो बस 90 दिन के लिए यश से शादी करने के लिए कह रही हूँ। घर की बात घर में रह जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। रिचा से प्यार का इतना दम भरती है तो क्या इतना नहीं कर सकती वो बेटी जैसी अंजलि? अपने लड्डू गोपाल को साक्षी मानकर बोल कि इस घर के लिए, इस परिवार के लिए, रिचा के लिए खुद पर हुए एहसानों को उतारने के लिए तू इतना तो कर ही सकती है। मम्मी इतना आसान नहीं है, भला कौन सी पागल लड़की 90 दिन की शादी के लिए तैयार होगी? हाँ हम तैयार हैं। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।